नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका के एक विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उसमें बम होने की सूचना मिली। यह विमान 144 यात्रियों के साथ पनामा से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रहा था, मगर बम की सूचना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। बताया जा रहा कि अमेरिका में पनामा सिटी से फ्लोरिडा के टैम्पा शहर के लिए उड़ान भर रहा था। बम होने की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में इसे पनामा के तोकुमेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। इसके बाद तत्काल विमान को खाली कराया गया। विमान से नीचे उतरने के बाद सभी यात्रियों की जान में जान आई। इधर जांच होने तक खलबली मची रही। हालांकि बाद में पता चला कि जिस वस्तु को बम समझा जा रहा था असल में वह एक डायपर था जो विमान में ही छूट गया था। किसी ने इसे बम समझकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दी जिससे सनसनी फैल गई। विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार सुबह इसे वापस पनामा सिटी हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। पनामा की सिविल एयरोनॉटिक्स अथॉरिटी ने अपने ट्विटर पर बताया कि बोइंग 737-800 स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे हवाई अड्डे पर उतरा और उसे एक अलग थलग हवाई पट्टी पर ले जाया गया था, जहां विमान में 144 यात्रियों को नीचे उतारा गया, जिसके बाद पूरे विमान की जांच की गई है। लेकिन दोस्तों, बम जैसी वस्तु नहीं मिली है। हालांकि दोस्तों, अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सभी यात्रियों में हड़कंप मच गया था। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है।